किसी ना किसी तरीके से लोग तो तंग कर ही रहे, लेकिन लड़ने पर ही जीत होती है। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो जो डरेगा वो हारेगा। गोल लगा तनी समाचार बटुए, पटना से बड़ा खबर आ रहा बटुए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट से बाहर निकलनी पटना पहुँचनी। राहुल गांधी मामला पो तेजस्वी यादव का कहनी सब सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पो नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पो देखतानी तो फॉलो कली, ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिलत रहे। जी हाँ, सूबा के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से निकलत भोजपुरिया समाचार के कैमरा में कैद भइल बानी। यह मामला पो मीडिया के सवाल के जवाब देत तेजस्वी यादव से मीडिया लोग पूछल कि राहुल गांधी मामला पो रौरा का कहब, एक पो यहाँ के कहनी कि कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्षी दल के तंग करे के प्रयास कर रहा बिया। लगातार ईडी लगा के आ तंग कल जात बड़ुए। यहाँ के कहनी कि जे लड़ी उजीती, जे लड़ी उजीती, जे लड़ी ओकरे जीत होई। रौरा के सबसे पहले भोजपुरिया समाचार अपडेट दे रहल बटुए। सीधा तस्वीर एयरपोर्ट के व्हील चेयर पर नजर अनी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लाइव तस्वीर भोजपुरिया समाचार रौरा दर्शक लोग के देखा रहल बटुए, जौना में एयरपोर्ट से निकलत लालू यादव आ साथे साथे तेजस्वी यादव दोनों लोग के तस्वीर। सुरक्षाकर्मी हालांकि सुरक्षा घेरा बना के रखले रहन। एकरा बाद तेजस्वी यादव से सवाल जवाब भइल। तेजस्वी यादव का कहनी सबसे पहले भोजपुरिया समाचार रौरा दर्शक लोग के दे रहल बटुए। देख सकीला व्हील चेयर पे लालू यादव अभिबानी आ साथे साथ तेजस्वी यादव सूबा के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ साथे साथे राजद सुप्रीमो लालू यादव बाहर निकलल बानी। जेकरा बाद मीडिया कर्मी के सवाल के जवाब रौरा सुनी, लेकिन दर्शक से निहोरा रहेला कि रौरा सभे दबा के शेयर करी, ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक देश ना विदेश तक पहुंचे। लाइव सुनी बयान। राहुल गांधी से बात हुई है, राहुल गांधी माइक दीजिए। अच्छा दिन न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और न्याय की जीत है। और हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को जिस तरह से तंग किया जा रहा था, हालांकि सारे ही विपक्ष में जितने लोग हैं किसी ना किसी तरीके से लोग तो तंग कर ही रहे हैं, लेकिन लड़ने पर ही जीत होती है। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो जो डरेगा वो हारेगा। अमित शाह ने कहा है कि 24 में आएंगे मोदी जी। अमित शाह ने कहा है कि समय बताएगा।